किसके है? झूठा तुम्हारे है? नहीं ले। फिर हमारे लिए ले। तुम्हारे लायक है? झगड़ा कर लेती और 10 दिन 15 दिन बात नहीं करती। दो लड़कियां थी ऐसी मंडरा रही थी हमारे सामने, नहीं क्या ऐसी मक्खी सरी की। हेलो थैंक यू सो मच, तुमचा खूप खूप आभार, धन्यवाद। हे गाइस, जय श्री राम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस हम आ गए अपने न्यू वीडियो लेकर। तो गाइस आज है शो डे, तो आज है हमारा शो गणपति बाप्पा के फेस्टिवल में हमारा शो होता है, तो उसका शो है हमारा आज हिंगना में। तो हमने अभी तैयारी वगैरह तो कर ही ली है, और ये टिक्का वगैरह मेरे को रुतुजा ने लगा दिया, आपने देखे होंगे। तो सो गाइस ये हमारे गौरव भैया है जो हमारे शो के एंकर है और लेखक है। ये जितने भी शो रहे हैं हमारे, जितने भी 11 डांस हम कर रहे हैं, उसका जो स्क्रिप्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ये भैया ने खुद होकर लिखे है। इनका पैड है, तो ये इनका पैड है, इसके ऊपर लिखे हुए है, और ये वहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अभी हमारे जितने भी शो होने वाले हैं, ये भैया हमारा साथ देने वाले था, इन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है। मतलब पूरे पुराने महाराष्ट्र का जो पुराना कल्चर था वो वापस आ गया है। तो हमारे श्रीकांत दादा है जो वासुदेव का रोल प्ले कर रहे हैं इस डांस में, तो ये बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में नहीं क्या, अब हर जगह हिप हॉप चल रहा है, एमसी स्टैंड चल रहा है, ये सब चल रहा है, ये सब में कुछ नहीं रखा है। जो है वो महाराष्ट्र जो अपना पुराना कल्चर, पूरा इंडियन कल्चर जो है वो मेन बात वो होना अपने को, तो उसी का हम प्रस्तुत कर रहे हैं 9 से 11 डांस। मैं आपको पूरा डांस तो दिखा नहीं सकता, बट मैं आपको एक छोटी सी क्लिप बना के दिखाऊंगा पूरे डांसेस की। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आगे। सो गाइस पहला डांस गणपति बाप्पा का हो गया हमारा, तो आप हमारे फेसेस देख सकते हो, पूरे पसीना पसीना थे, पूरे मिलकर वाले थे, और अभी पूरे पसीना पसीना हो गए। बहुत एनर्जी लगी पहले डांस में, अभी और 10 डांस बाकी है। 10 डांस तक एनर्जी पूरा के रखना है ना, फुल पावर से नाचना है, गोंदर तक नाचना है। गोंदर दिखाएंगे आपको एंडिंग में, छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा। नाचेंगे निकिता, एक नाचिंग करेंगे, एनर्जी बहुत लग रही है, झगड़ा भी करेंगे ना, झगड़ा भी करेंगे, ये लड़की झगड़ा करके रह रहे हैं। गणपति के डांस में हर बनी करूंगा बोलते अपना लावनी, अगर जाओ तुम ऑल द बेस्ट, तेरी लावनी नहीं तो रुक जा, आप झगड़ा करेंगे, इधर नीचे बैठ, नीचे बैठ। ये लड़की है खुद ही उसको कुछ नहीं करती, झगड़ा कर लेती और 10 दिन 15 दिन बात नहीं करती, बातें फिर खुद ही बात करना चालू करती, ना कुछ क्लियर करे ना कुछ करे, ऐसा भी होता है क्या? जाओ बाय 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 जाओ। तो गाइस बहुत एनर्जी डाउन हो गई ऐसा लग रहा है, बट नहीं अभी भी और बहुत ताकत है नाचने के लिए, 10 से 12 डांस ऐसे कर सकते हैं। तो अभी करते हैं सेकंड डांस की तैयारी, मेकअप वगैरह पहुँचते हैं थोड़ा, करते हैं सेकंड डांस की तैयारी। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं हमारे महाराज को लेने के लिए हमारे शो में, आई मीन हमारे महाराज नहीं, सबके ही महाराज है वो और महाराष्ट्र के। तो अभी हम आपको हम जाते हैं, अभी आपको उनसे मिलाते हैं, अभी हम उनकी प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं क्योंकि उनकी अब्दागिरी और डंडे और उनकी एंट्री है। एंट्री तो आपको दिखा नहीं सकते, बट ट्राई करूँगा एंट्री दिखाने की। तो अभी जाते हैं महाराज के पास और आपको महाराज से मिलाते हैं। सो गाइस जैसा मैंने आपको बताया कि हम हमारे महाराज से आपको मिलाने जा रहे हैं, हमारे मतलब सबके महाराज से। तो हमारे महाराज तैयार हो गए अभी, तो ये है हमारे महाराज, आप इनका पूरा लुक देख लो। तो ये है हमारे महाराज, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मन से, तो इनकी एंट्री हम आपको दिखाएंगे। महाराज आपको कुछ कहना है? महाराज अभी कुछ नहीं कहते, एंट्री है तो चलो। सो गाइस अभी हमारे 5 डांस हो गए और हमको 10 मिनट का ब्रेक मिला है,
तो अभी हम चाय पी रहे हैं। अच्छा मुझे लगता है कि नारियल पूर्णिमा दिन चाय पीने का ब्रेक मिला है क्योंकि समुद्र वाला आह्वान कह रहे थे बहुत एनर्जी लगती है क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन हो गई है और पब्लिक बहुत ज्यादा है। अभी मैं आपको ऐसे दिखाने चलता हूं, ये ड्रेस मेरा कोहली का है, अभी कोहली का डांस है। अगर पॉसिबल हो तो ये डांस भी आपको मैं शो करूंगा। गाइस फाइनली शो आर कंप्लीट। तो हमने ऐसा सोचे है अभी कि जिनके आके कॉस्ट्यूम थे, मतलब जो सचिन दादा है उनके आके कॉस्ट्यूम है, तो हम उनको अभी रिटर्न कर देते हैं, बाद में फिर रिटर्न आना पड़ेगा देने के लिए, इसलिए हम उनको अभी कॉस्ट्यूम दे दे रहे हैं। तो हम यहाँ कॉस्ट्यूम की काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये 9 कॉस्ट्यूम हमने 9 लिए थे, झंडे 4 लिए थे, उन्हें कोड़ी के 3 लिए थे। तो अभी पूरा सीन हो गया एक नंबर, क्या है तो हमारा विचार चलो जाने का, चलने का। दो लड़कियां थी ऐसी मंडरा रही थी हमारे सामने, नहीं क्या ऐसी मक्खी सरी की, भाई को पूरा एडिट कर डाला भाई ने, तो देख रहा है कहाँ है कहाँ है कहाँ है दिख रहा है तुमको। लैला टेंशन नहीं लेने का, लड़की का चक्कर मकड़ी का जान, जो फंस गया बहुत अच्छा जान, आगे का नहीं बोलता। चलो अभी खाना पीना खाते हैं, भूख लग गई, और नाश्ता करते हैं। लड़कियां चेंज कर रही है क्योंकि यहाँ से घर नहीं जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है। तो अभी बज रहे 11, अभी देखते हैं अभी क्या सीन है। तो अभी प्रोग्राम तो हमारा ख़त्म हो गया, और बहुत अच्छा फील भी आ रहा है क्योंकि आज का जो डांस था वो बहुत ज़्यादा क्लास हुआ, पहला क्राउड था। तो अभी रहती है अच्छे दाल, तुम तीनों एक ही इसमें खा रहे हैं। खाना खाना क्यों ऐसा हो गया इतने समय में? बंदर तुझा लड़की ने खाई थी पहनने के लिए। 3 गुलाब जामुन, 3 लड़कियों के है, मेरे लिए इसके झूठा तुम्हारे है फिर हमारे लिए ले, तुम्हारे लाए क्या? मुझे म्यूका लगा तुम लोगों ने मेरे लिए लेके आए ये गुलाब जामुन। घनघोर पाप मिलेगा तुमको, बड़ा वाला इधर नर्क में भी जगह नहीं है, खाली बोलते लोग पायरे पे बैठे बोलते। अपन जाएंगे तो जाएंगे का बैकस्टेज पे, नर्क में भी हमको क्या मालूम, तुम्हारे लैंग्वेज तुमको मालूम है। ये गुलाब जामुन तुम्हारे है, एक दे दो मेरे को, वो नहीं खाती, तो खाती गुलाब जामुन? नहीं नहीं उन्हें लिपस्टिक लगाई है। कोई सेंसेंस बात खत्म, मालिक दबा गया।